बिहार के बक्सर में पावर प्लांट के लिए किसानों की जमीन पर अतिक्रमण किया गया, जिसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे बक्सर जिले के चौसा में पहुंचे थे। वहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अश्विनी चौबे का विरोध किया। इस आक्रोश के कारण अश्विनी चौबे को सभा छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद अश्विनी चौबे ने बक्सर के अंबेडकर चौक पर किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन व्रत और उपवास रखा। इस बीच आक्रोश मार्च के दौरान बक्सर में भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले पर मीडिया भी ताक लगाए बैठा था। वहीं एनडीटीवी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि किसानों की बात करते हुए अश्विनी चौबे रो पड़े। भाई इससे मत कर यार, कैमरा सब लगा हुआ है, समझो कुछ पीछे देखे नहीं है, थोड़ा पीछे आ गया, कैमरा भी है और तो ये अलग से होगा तो किसान मर जाएगा। जर्नलिस्ट प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एनडीटीवी के वीडियो को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री के इन आंसुओं को देखकर सीना छलनी हो रहा है। वहीं जागरण के पत्रकार विनीत त्रिपाठी ने भी ऐसा ही दावा ट्वीट किया, जबकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए इस दावे को बेबुनियाद पाया। अश्विनी चौबे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सर्च करने पर हमें लाइव सिटीज का ये वीडियो रिपोर्ट मिला। मैं अभी अभी मेरे छोटे भाई सागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साढ़े की तरह तीन दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार चार दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था, अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार। वहीं कई मीडिया संगठनों ने ये खबर दी कि भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने लगे। यानी अश्विनी चौबे के रोने के पीछे की वजह उनके करीबी भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी की मौत की खबर है। हालांकि एनडीटीवी और कुछ पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज देने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अपनी खबर वेरीफाई नहीं की।